हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और काफ़ी समय के बाद ये वीडियो आ रही है, पर अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है क्योंकि अब डेली वीडियो आने वाली है। ठीक है, आज से भी 12th क्लास की स्टार्ट हो रही है, बट बहुत जल्दी 11th भी रेगुलर होगी और 12th भी रेगुलर होगी और मैं आपकी डेली क्लासेस लेने वाली हूँ। इसीलिए अब टेंशन नहीं लेना, दिसंबर तक आपका सिलेबस जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पार्ट टू ही कंटिन्यू करेंगे। आप सभी ने एवोल्यूशन का पार्ट वन देख लिया होगा, राइट? अब बचा हमारा पार्ट टू, और इसके बाद में एक और पार्ट आएगा जो रहेगा आपका पार्ट थ्री, और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज हम पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इवॉल्व हो गए हैं, है ना? अब किताबों में लिखा होगा या फिर आपको सब पढ़ाते हैं, लेकिन आप विश्वास तभी करोगे ना जब आपको प्रूफ किया जाएगा, है ना? तो प्रूफ करना जरूरी है, इसीलिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि भाई एविडेंस क्या है। सबूत मांगते हैं ना हर चीज के, बिना सबूतों के आजकल कुछ नहीं होता। तो यहाँ हमें सबूत चाहिए, इवोल्यूशन के सबूत। ठीक है, इवोल्यूशन के एविडेंसेस। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस का। किसकी बात कर रहे हैं हम? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पैलेंटोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। दूसरी चीज क्या आती है कि अब भाई फॉसिल क्या है, है ना? आपने बता तो दिया कि फॉसिल की स्टडी को पैलेंटोलॉजी बोलते, लेकिन फॉसिल होते क्या है? ठीक है, तो फॉसिल का मतलब है फॉसिल्स आर द रिमेन्स फॉर इम्प्रेशंस ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स और अदर मीडिया। कभी अगर फॉसिल्स की बात करी जाए तो क्या दिमाग में आता है? डायनासोर का स्केलेटन आता है। ठीक है, या और भी चीजें जो स्केलेटन्स है वो आते हैं, तो जब खुदाई करते हैं, है ना, क्या करते हैं? जब खुदाई करते हैं तो उसके अंदर से निकलता है। ठीक है, वही है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट मतलब डिपोजिशन। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है? डिपोजिशन से बनता है, तो डिपोजिट होता जाएगा, होता जाएगा। तो जो भी फॉसिल है, अब डायनासोर थे, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, पर वो जमीन के अंदर गड़े हुए हैं ना, जमीन के अंदर मिलेंगे। तो जब हम खुदाई करेंगे तो उसके अंदर से जो हमें रिमेन्स मिलेंगे, कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से जो आपको रिमेन्स मिल रहे हैं, दैट आर नोन एज फॉसिल्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो यहाँ पे मैं कुछ लेयर्स बना दूं। ठीक है, क्या बना दूं? यहाँ पे कुछ लेयर्स बना दूं, ये एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। यहां से चालू करेंगे ए, बी, सी और डी। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इनमें से सबसे ओल्डेस्ट डिपोजिशन कहाँ पाया जाएगा? ये सबसे बड़ी लेयर है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जिस पे आप खड़े हुए हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको खुदाई करने पे क्या मिलेगा? कुछ खास नहीं, लेटेस्ट चीजें जो है वही मिलेंगी। लेकिन जैसे वेन एवर यू स्टार्ट डिगिंग डीपर, यू फाइंड द मोस्ट ओल्डेस्ट एविडेंसेस और ओल्डेस्ट फॉसिल। तो डी लेयर पे आपको सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल। चलो, ये चीज तो क्लियर हो गई। इसके बाद में अ वैरायटी ऑफ फॉसिल्स रेंजिंग फ्रॉम द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म टू एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड। मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से अब हम क्या करेंगे? मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, जिनका हमें केवल ढांचा मिला है, ठीक है, स्केलेटन अकेला मिला, उनको रखेंगे साथ में मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई इनमें सेम क्या है और डिफरेंट क्या है। उससे हमें पता चलेगा कि हाँ, पहले इनके पास में इस तरीके का स्ट्रक्चर था, बाद में ऐसा स्ट्रक्चर हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ इवोल्यूशन हुआ है। यही चीजें प्रूफ करेंगी। ठीक है, सो बाय स्टडिंग द डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स दैट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इन विच द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड कैन बी प्रेडिक्टेड। वही जो मैंने अभी लेयर्स आपको बताई थी। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल बाहर से, एनाटॉमिकल अंदर से। ठीक है, तो इनकी बात करेंगे हम। तो क्या होता है? फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री कैन बी रिवील्ड बाय कंपैरेटिव स्टडी। फाइलोजेनेटिक स्टडी में आप एक साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रखोगे, उनकी स्टडी कर लोगे, लेकिन यहाँ पे ऑर्गन्स विद सेम स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। फिर से ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है होमोलोगस और एनालोगस में। क्या दिया है? ऑर्गन विद सेम स्ट्रक्चर होमोलोगस में। ठीक है, होमोलोगस में ऑर्गन विद सेम स्ट्रक्चर, एस एस, सेम स्ट्रक्चर।
बट डिफरेंट फंक्शन, दिखता सेम है बट काम अलग अलग करता है। होमोलोगस में जो ऑर्गन्स होते हैं दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि एग्जांपल, सबसे पहली फोर लिम्स, ठीक है, फोर लिम्स, हमारे भी फोर लिम्स हैं, राइट। तो व्हील्स, बैट्स, चीता, सबके पास फोर लिम्स है लेकिन सबका काम अलग अलग है, ठीक है। फोर लिम्स हमारे पास में भी है, दो ऊपर दो नीचे, लेकिन हम ऐसे नहीं चलते, हम सीधे चलते हैं ना, सिर्फ दो ही पैरों का यूज करते हैं चलने के लिए। तो हमारे पास भी फोर लिम्स है बट हमारा फंक्शन अलग है, लेकिन चीता, चीता चार पैर पर चलता है। वही वेल की बात करें तो वेल पानी में तैरने के लिए अपने फोर लिम्स का यूज करती है, और बैट क्या कर रही है, उड़ने के लिए यूज कर रही है। दिखते सभी सेम है बस इनका फंक्शन अलग अलग है। दूसरी बात करें हम अगर यहाँ पे बोगनविलिया और कुकुरबिटा, इसके पास थॉर्न्स हैं, इसके पास टेंड्रिल्स हैं, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइप का जो नीड होता है, जहाँ पे कोई भी एनिमल और प्लांट अपने हिसाब से अपने ऑर्गन को यूज करता है अकॉर्डिंग टू द नीड, उस टाइप के एवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम इसको? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल क्या है? वर्टिब्रेट हार्ट्स और ब्रेन्स एंड एनिमल, थॉर्न्स एंड टेंडल्स, ये मैंने बता दिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ देखो, ध्यान दो, अब इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखो यहाँ पे चार अलग अलग एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, मैन, मैन, चीता, वेल, बैट, सबके स्ट्रक्चर देखो यहाँ सब सेम है, सेम है ना, ये आगे है तो वही चीज, ठीक है तो वही चीज। फोर लिम्स है जिसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फेलिंजेस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स सब प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर क्या है इनका, सबका कैसा है? सेम है लेकिन सबके काम अलग अलग है। कोई चलने के लिए यूज कर रहा है, कोई दौड़ने के लिए यूज कर रहा है, कोई तैरने के लिए, तो कोई उड़ने के लिए, है ना। तो वो चीज होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे अब हम बात करेंगे एनालोगस की, ठीक है। एनालोगस क्या होते हैं? एनाटोमिकली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर, ठीक है। एनाटोमिकली डिफरेंट है, दिखने में अलग होंगे लेकिन काम उनका सेम ही है। जैसे कि अभी मैंने क्या बताया था, बैट की बात करी थी, बैट के पास में फोर लिम्स होते हैं लेकिन वो फोर लिम्स का काम उड़ने में करती है, ठीक है। वही अगर हम विंग्स ऑफ बर्ड, बर्ड की बात करें, उनमें हड्डियां नहीं होती लेकिन वो तब भी उड़ती है ना। ऐसे बटरफ्लाई की बात करें, बटरफ्लाई में विंग्स होते हैं, वो भी उड़ने के लिए यूज करती है लेकिन स्ट्रक्चर तीनों का ही अलग अलग है। ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। और इस टाइप के इवोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के इवोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ड्यू टू द सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। सेम चीज एनालॉगस की बात तो कन्वर्जेंट, ठीक है। एनालॉगस तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की, ध्यान रखना। अगर हमने किसकी बात करी, होमोलोगस की, तब वहां पे कौन सा एवोल्यूशन देखने मिलता है, बताओ जल्दी। अभी बताया था मैंने होमोलोगस में आपको किस तरीके का एवोल्यूशन देखने को मिलता है, डाइवर्जेंट, ठीक है। क्या मिलेगा हमें? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, होमोलोगस, एनालोगस, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखो, अब मैं एक टेबल बना रही हूं, नोट करना उस टेबल को बहुत ध्यान से। टेबल के पहले एक एग्जांपल समझो, एक बताती हूं, एक क्लासरूम है, क्या है, एक क्लासरूम नहीं है, स्कूल है पूरा, ठीक है। एक स्कूल है, उसमें बच्चों ने एडमिशन लिया, अलग अलग क्लासेस होती हैं। अब मान लो ट्वेल्थ क्लास है, ठीक है। अब एक क्लास थी ट्वेल्थ क्लास में, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही, बच्चे आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे हैं, अब उस क्लास में एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहे हैं। क्या हो रहा है? एक क्लास है, ठीक है, ये है ट्वेल्थ क्लास, यहाँ पे बच्चे एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, ये एक क्लास है, नहीं आ पा रहे हैं, भाई ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई है। तो क्या करेंगे हम? ट्वेल्थ का क्या बना देंगे? ट्वेल्थ ए। एक ट्वेल्थ का बना देंगे ट्वेल्थ बी। और ज़्यादा बच्चे हो गए तो ट्वेल्थ सी भी कर दो, भाई लो ट्वेल्थ सी कर दो, ट्वेल्थ डी भी कर दो। ये क्या करा हमने? क्लास तो सेम थी, मतलब एरिया तो सेम था, लेकिन हमने बस क्या करा, उसी स्कूल के अंदर सेक्शंस बना दिए, क्योंकि एक जगह पे भीड़ ज्यादा हो रही थी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब जब एक जगह पे भीड़ ज्यादा हो जाए तो हम उसको दूर दूर बांट देंगे, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, कोई फॉर एग्जाम्पल किसी सर्विस में है किसी के पेरेंट्स, तो उनका ट्रांसफर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हम रख देते हैं, क्या नाम रख दें हम इसका,
चलो इसका नाम हम प्रिया रखेंगे, क्या रखेंगे, प्रिया। अब प्रिया के फादर का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अभी वो रहती है एमपी में, अभी वो रहती है एमपी में, लेकिन जब इनका ट्रांसफर हुआ तो कहाँ हुआ, ये पहुँच गए केरला, कहाँ पहुँच गए, केरला। तो अब प्रिया को शिफ्ट होके जाना पड़ा केरला, पूरी फैमिली चली गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जगह हुई है वो चेंज हो गई। अब अगर जगह चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है अडेप्ट करना पड़ेगा उसको वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ रह रही है। अब एक जगह से चेंज होके एमपी का जो पूरा इवन वेदर, जो वहाँ का खाना है, रहन सहन है, सब अलग है, केरला में सब कुछ अलग है। तो इसको, प्रिया को और प्रिया की फैमिली को अपने हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी चेंज होता है तो वहाँ पे अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। अब इसका यहाँ से लिंक क्या है, अब देखना, लिंक यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे हम लिखते हैं डाइवर्जेंट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डाइवर्जेंट। सबसे पहला कॉलम इज डाइवर्जेंट, दूसरा कॉलम हम बना देंगे, देखो हैंडराइटिंग पे बिल्कुल कोई भी नहीं जाएगा, है ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इस पर एडजस्ट होने में, तो हैंडराइटिंग आ जाएगी, डाइवर्जेंट। सेकेंड इज कन्वर्जेंट, क्या है, कन्वर्जेंट। और तीसरा कॉलम हम बनाएंगे अडैप्टिव रेडिएशन, ठीक है, अडैप्टिव रेडिएशन। अब यहाँ पे आप आंसर देंगे, यहाँ पे आंसर आप लोगों को देना है, ये बन गई टेबल, ठीक। यहाँ पे पहली चीज़ क्या आ जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाएगा कॉमन एंसेस्ट्री, क्या है, क्या है कॉमन एंसेस्ट्री यहाँ पे। अब बताओ क्या इनकी कॉमन एंसेस्ट्री है, डाइवर्जेंट में कॉमन एंसेस्ट्री यहाँ लिख दिया हमने। अब बताओ क्या डाइवर्जेंट में कॉमन एंसेस्ट्री होगी, बताओ, उसी क्लास के बच्चे हैं, हमने उन्हें बस दूसरी क्लासेस में भेज दिया है, उसी एरिया में, एरिया भी सेम है, तो क्या इसमें कॉमन एंसेस्ट्री है। यस मैम, यहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्री डेफिनेटली है। कन्वर्जेंट, क्या यहाँ कॉमन एंसेस्ट्री होगी, बताओ, क्योंकि हमने उठा के उन्हें दूसरी जगह पर रख दिया, यहाँ पे एरिया भी सेम नहीं है, एरिया इज नॉट एट ऑल सेम, तो यहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होगी, ठीक है। अब अडैप्टिव रेडिएशन में तो होगी, अडैप्टिव रेडिएशन में होगी कॉमन एंसेस्ट्री सेम। अब जियोग्राफिकल एरिया, सेकेंड वन इज जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या जियोग्राफिकल एरिया सेम है, जियोग्राफिकल एरिया, तो यस डेफिनेटली आए तो एक ही जगह से है ना, आए तो एक ही जगह से थे ना, गए कहीं और, बस वो डिफरेंस इतना ही है, तो यहाँ पे भी सेम होगी, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ डिफरेंट होगी, यहाँ डिफरेंट लिख लेना, यहाँ लिख लेना डिफरेंट। अगले पॉइंट की बात करेंगे हम, यहाँ पे क्या पॉइंट आता है हमारा, ट्रू एवोल्यूशन, तीसरा पॉइंट आता है ट्रू एवोल्यूशन, क्या यहाँ ट्रू एवोल्यूशन हुआ है डाइवर्जेंट में, यू गाइस टेल मी, क्या यहाँ पे ट्रू एवोल्यूशन है, यस यहाँ पे ट्रू एवोल्यूशन बिल्कुल है, यहाँ पे नहीं है ट्रू एवोल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, लेकिन ट्रू एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। लास्ट पॉइंट आता है आपका उनो, सब चला गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब चला जाने दो, लास्ट पॉइंट बस बचा था। अब लास्ट पॉइंट आपको लिख लेना है, फोर्थ पॉइंट है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे है आपका डाइवर्जेंट, क्या है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, अडेप्टेड रेडिएशन, तीन कॉलम बने होंगे आपके, उसी में ऐड कर लेना। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आता है, रिजल्ट्स, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से क्या रिजल्ट आते हैं, अभी बताया था इसके पहले, होमोलोगस या एनालॉगस, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे या फिर एनालॉगस ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, बताओ फटाफट। डाइवर्जेंट की बात मैंने अभी बताया था कि जब भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा तो यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन्स देखने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन, मतलब क्या हुआ, वॉट डज होमोलोगस ऑर्गन मीन्स, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। एनालॉग कन्वर्जेंट की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनालॉगस मिलेंगे, एनालॉगस का क्या मतलब हुआ, एनालॉगस का मतलब होता है डिफरेंट फंक्शन बट सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर,
ठीक है, सेम फंक्शन होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे ये टेबल याद रखनी है, अब इसको बना लेना, जिन्होंने नहीं बनाई है वो पॉज कर लेना, बैक कर लेना और फिर इसको बना लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे अब हम, तो अब हम आते हैं बायोकेमिकल एविडेंसेस पे। अभी हमने दो ही पढ़े, एक पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ लिए हमने, दूसरे क्या पढ़े हमने, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल मतलब क्या है, ब्रेक कर दो वर्ड को, जब भी कोई भी टर्म दिया हो ना हमेशा ब्रेक कर लिया करो, बायोकेमिकल। ओके, पीछे जाते हैं हम, कोई बात नहीं, हो जाता है। बायोकेमिकल एविडेंसेस, ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी इन प्रोटीन, ठीक है, सिमिलैरिटी इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग अ कॉमन गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव्स क्लूज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब कि भाई बॉडी के अंदर क्या प्रोटीन है, क्या फंक्शन चल रहा है और जीन्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, जीन्स क्या काम कर रहे हैं, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि हमारे एंसेस्टर कौन है, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या चल रही है बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है। ऑल्सो सिमिलर एंड सेम न्यू मटेरियल एंड एंड प्रोडक्ट, या ये ध्यान रखना जो भी एंसेस्टर होगा ना उसके अंदर की जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो मेटाबॉलिज्म और मॉडर्न ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म सेम होगा, ठीक है। क्या न्यू ऑर्गेनिज्म और एंसेस्टर दोनों का मेटाबॉलिज्म सेम होगा, न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे, तो उससे भी हमें पता चलता है, एक टाइप का क्या है, एविडेंस है ना, एविडेंस सबूत है ये। अगला सबूत हम देख लेते हैं क्या है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, मतलब कि स्पीशीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन डेवलप यूनिक फीचर, ऑल्सो स्पीशीज प्रेजेंट इन वाइडली सेपरेटेड रीजन शो सिमिलैरिटी ऑफ एंसेस्ट्री। मतलब बायोजियोग्राफिकल, इधर से उठा के हमने एक क्लास से उठा के दूसरे क्लास में रख दिया, या फिर जो प्रिया थी वो एमपी से होकर केरला चली गई, लेकिन क्या प्रिया खुद चेंज हो जाएगी? हाँ, उसको अपनी थोड़ी सी आदतें भले ही चेंज करनी पड़े पर वो रहेगी तो एमपी की ही ना, क्योंकि वो वहीं की है। तो आपको एक व्यक्ति मिला केरला में एमपी का, तो आप समझ जाओगे, मान लो मैं सागर की हूँ, अगर मैं कहीं भी चली जाऊँ, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सागर वाले, हम क्या बोलते हैं सागर वाले, हम हाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम हाउ बोलते हैं। तो हम कहीं भी जाएंगे ना और हमसे कोई कुछ भी बोलेगा काम कि यार ये काम कर देना, तो हमारे मुंह से हाँ बहुत कम निकलता है, हमारे मुंह से हाउ निकलता है, ठीक है। अगर कोई भी है ना बुंदेलखंड का तो बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हम हाउ बोलते हैं, तो समझ जाएगा कि ये यहाँ की नहीं है भाई, केरला वाले हाउ नहीं बोलेंगे कभी भी, सागर वाले बोलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अडैप्टिव रेडिएशन। क्या है अडैप्टिव रेडिएशन, इसकी बात कर लें। अब इसमें क्या हो रहा है, अडैप्ट करना, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ को अडैप्ट करने को हम अडैप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन देख लो इसकी, क्या डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन विच डिफरेंट स्पीशीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इन अ जियोग्राफिकल एरिया रेडिएट्स टू अदर जियोग्राफिकल एरिया। फिर से प्रिया की बात, आज की क्लास में सिर्फ प्रिया की बात होगी, ठीक है। प्रिया जो थी वो चली गई, कहाँ गई प्रिया, अब तो सबको पता होगा, प्रिया गई एमपी से केरला, जियोग्राफी उसकी चेंज हुई, ठीक है, जगह उसकी चेंज हुई। इधर वो सब खाती थी लेकिन इधर जाके जो खाना है वो बिल्कुल बदल गया, इधर जाके खाना जो है वो उसका बदल गया, तो यहाँ पर जो मिलता था अब वो यहाँ नहीं मिलता है, तो उसको वो जो मिलता है वही खाना पड़ेगा। अडेप्ट नहीं कर पाई अगर तो उसको वापस आना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि अभी जहाँ पे हैं अभी घर में बैठ के बढ़िया पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमें बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर लेकिन उन्हें ना खाना सूट करता है ना वहाँ का वेदर सूट करता, तो वापस आना करता है। दैट मीन्स कि वो अडेप्ट नहीं कर पाए अपने आप को। जब कोई अपने आप को अडेप्ट कर ले तभी वो उस जगह पर सर्वाइव कर सकता है। चलो प्रिया को हम बाय बाय बोलते हैं, इसके बाद में हम आएंगे किस पर, कुछ थ्योरीज पे, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ साइंटिस्ट आएंगे, अब साइंटिस्ट याद रखने, अब यहाँ थोड़ा मज़ेदार टॉपिक आने वाला है, अभी तक अब थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लगाओ है नहीं, वैसे इवोल्यूशन बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो डार्विन फिंचेस, डार्विन के बारे में तो सब जानते कि कौन थे भाई डार्विन, तो डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ऑब्जर्व मैनी वेराइटी ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। एक आइलैंड पे गए बढ़िया वो, ठीक है, अपन आइलैंड पे जाएंगे तो क्या करेंगे, आइलैंड पे जाएंगे बढ़िया मज़े ले रहे हैं, पानी के बाजू में बैठे हैं और वादियों के मज़े ले रहे हैं, लेकिन नहीं, साइंटिस्ट जो होते बैठ के वादियों के मज़े बिल्कुल नहीं लेते, उनका काम होता है हर चीज़ ऑब्जर्व करेंगी, वो चिड़िया उड़ रही क्यों उड़ रही है,
चिड़िया की चोंच ऐसी क्यों है, वो जानवर जो है वो रेंग क्यों रहा है, चल क्यों नहीं रहा है, उनका यही दिमाग चलता है। तो यहाँ पर डार्विन का भी वही सेम दिमाग चला कि ये चिड़ियाँ जो हैं, अलग अलग जो बर्ड्स हैं, इन सबकी बीक अलग अलग क्यों है। तो उन्होंने इस पर स्टडी चालू कर दी। ठीक है, ऑल वेराइटीज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस। इन्होंने कहा कि सारी जो है यहाँ पे बर्ड्स जो है ना, पहले सीड ही खाती थी। ठीक है, सीड खाती थी, लेकिन धीरे धीरे जिन बर्ड्स में अकल आती गई वो कुछ और खाने लगी। तो उनकी बीक में, उनकी जो चोंच होती है ना, ये जो बीक दिख रही है आपको, इनकी बीक में चेंजेस आने लगे। तो यहाँ देख सकते हो इस वाली बीक का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है। देखो फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्या हुआ, शार्प होना स्टार्ट करा। फिर इधर आओ, ये देखो, और फिर इधर देखो, बिल्कुल ही शार्प बीक है, है ना, बिल्कुल ही शार्प बीक। मतलब ये छोटी से छोटी चीज को पिक कर सकती है आसानी से, ये नहीं कर पाएगी, ये वाली नहीं कर पाएगी। अगर छोटा सा कोई कीड़ा है अगर, है ना, ये नहीं कर पाएगी। तो ये इवोल्यूशन कैसे आया, यहाँ पे उन्होंने देखा, विथ ऑल्टरेशन इन बीक्स सम बिकम इंसेक्टिवोरस। अब भाई ये तो इंसेक्ट आराम से खा लेगी मजे से, ठीक है, लेकिन ये बेचारी वेजिटेरियन ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी बीक जो है इंसेक्ट उठा ही नहीं पाएगी, है ना। तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, आयरलैंड पर जाके बिल्कुल नहीं घूमे, बीच का बिल्कुल मजा नहीं लिया, इन्होंने बिल्कुल भरपूर रिसर्च करी और ये रिसर्च करके आपको दे दी। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम मार्सोपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दूसरे हैं ऑस्ट्रेलिया के मार्सोपियल्स। अब ये देखो भाई, ये देखो जेब में रखे घूमते हैं, यहाँ पे वही होते हैं मार्सुपियल्स, वही होते हैं जिनमें पाउच होता है। ठीक है, सो विद इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट मेनी डिफरेंट मार्सुपियल्स और पाउच एनिमल्स आर सीन। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे पाउच एनिमल देखने को मिलते हैं। दीज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक। अब सबके पास में पाउच है, डोरेमोन भी यहीं का होगा बिल्कुल, क्योंकि उसके पास में भी पाउच है ना, निकालता है गैजेट, ये गैजेट नहीं निकालते, इनके बच्चे उस पाउच में बैठे रहते हैं। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है डोरेमोन में और इनमें, बाकी वो भी मार्सुपियल ही है क्योंकि उसके पास पाउच है। और क्या डिफरेंस है, ये वो अपना पाउच धोके डाल देता है, ये नहीं धो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो है ना मार्सुपियल्स, इनके भी कॉमन एंसेस्टर्स थे, क्योंकि सब में पाउच देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनमें कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं प्लासेंटल एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब प्लासेंटल एनिमल्स की बात करें हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, अ वैरायटी ऑफ प्लासेंटल एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड व्हिच अपीयर सिमिलर टू करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स से सेम दिखते हुए ये एनिमल्स होते हैं जिनमें, देखो यहाँ पे देखो, आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दी हमें है नहीं है, कहीं जाना तो है नहीं, पढ़ना ही है बस। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लासेंटल मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं भाई, व्हाट आर मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं, ये आंसर किसी ने गलत दिया ना तो बहुत पिटाई होने वाली है। मैमल्स सबको पता होंगे, दोज हु हैव मेमोरी ग्लैंड्स। प्लासेंटल मैमल का क्या मतलब हुआ, अबर प्लासेंटल दैट मीन्स प्लासेंटा है इनमें, क्या है प्लासेंटा, प्लासेंटा का क्या काम है, प्लासेंटा का क्या काम है सब लोग बताएंगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, है ना, बहुत ही रद्दी सा क्वेश्चन है, सबको बनना चाहिए कि प्लासेंटा का क्या काम होता है, देख लेना, नहीं पता तो ढूंढ लो, खुद सर्च करा करो कुछ चीजें। प्लासेंटल मैमल्स हैव इवॉल्व्ड, प्लासेंटल मैमल इवॉल्व हुए हैं, कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, मार्सुपियल्स से, डोरेमोन, ठीक है, डोरेमोन की प्रजाति से ये प्लासेंटल एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं। यहाँ पे When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area and two or more groups of unrelated animal come to resemble each other for similar mode of life or habit. बता रही हूँ, हाँ एकदम घबराना नहीं, बता रहे हैं, पहले रीड करके बता दूँ मैं, इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट हम पढ़ चुके हैं ना कन्वर्जेंट, इसका क्या मतलब हुआ, जब एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन अकर हो, कि प्रिया ने खाना भी अपना चेंज कर लिया, प्रिया ने अपने जो कपड़े पहनती थी उसको भी बिल्कुल तरीका जो है वो बदल लिया, ठीक है, जो वेदर था उसमें भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया, मतलब प्रिया जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, चेंज एकदम, है ना, ऐसा होता ना कि हम छोटी सी जगह में हैं और हम एकदम से बाहर पढ़ने जाते हैं तो एकदम स्मार्ट स्मार्ट बन के बाहर आते हैं एकदम, तो कहते हैं यार देखो इतना चेंज आ गया, वही बिल्कुल यही होने वाला है, एक एरिया से दूसरे एरिया में गए तो उनमें बहुत सारे अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिले, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अडेप्ट कर लिया, ठीक है, तो अनरिलेटेड एनिमल्स हैं। और अब प्रिया में, और एक प्रिया एमपी की है, केरला का अलग उसकी फ्रेंड बनी एक, ठीक है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन
दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने मिल रही है क्योंकि अपने हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं, वही चीज़ इसमें है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन मास, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल प्लासेंटल एनिमल्स मार्सुपियल्स हैं बट दे हैव प्लासेंटा ऑल्सो। क्लियर होगी बात, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ एक चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया भर का कन्फ्यूज़न ना इधर ही से आने वाला है। हम इसको बैक करते हैं, सारा कन्फ्यूज़न इधर आएगा और सब गड़बड़ कर दोगे। क्या कन्फ्यूज़न आएगा कि मैम कभी आप बोलते हो कि 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ आई थी, कभी बोल लेते हो 3 कभी 2। अब हम आंसर में लगाएं तो लगाएं क्या, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ गया। तो आंसर में अब क्या लगाना है, कन्फ्यूज़न यहाँ पे कन्फ्यूज़ आपको किया जाएगा, सीधा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। ठीक है, कन्फ्यूज़ तो किया ही जाएगा, आपको होना नहीं है, पर काम वही है, जो कन्फ्यूज़ हो गया वो गया, जो कन्फ्यूज़ नहीं हुआ वो जीत गया। चलो 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है 4 बिलियन साल पहले लाइफ अपीयर हुई थी, लाइफ सबसे पहले लाइफ आई थी। 3 बिलियन क्या हुआ था, नॉन सेलुलर लाइफ आई थी, क्या आई थी नॉन सेलुलर लाइफ। 2 बिलियन ईयर्स अगो सेलुलर लाइफ आई थी, यहाँ पे सिर्फ लाइफ आई थी 4 बिलियन ईयर्स अगो, यहाँ पे नॉन सेलुलर और यहाँ पे सेलुलर, 2 3 4 ध्यान रख लेना, इसको कहीं चिपका लेना बिल्कुल लिख के, जिससे कि भूलो ना, कंफ्यूज ना हो जाओ इन चीज़ों में। चलो अब आते हैं थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, अब बढ़िया मज़ेदार और थ्योरीज आने वाली हैं, यहाँ पे अब देखना ये थ्योरी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही आती है ना। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क, क्या नाम था लेमार्क। तो लेमार्क जो थे उन्होंने क्या कहा, लेमार्क का कहना था कि भाई आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो है ना, आप मान लो अपना हाथ यूज़ कर रहे हो, डेली हम कपड़े सुखाने के लिए हाथ यूज़ करते हैं, तो उनके हिसाब से आपका हाथ जो है वो लंबा हो जाना चाहिए। पर क्या आपका हाथ लंबा हुआ बताओ भाई, क्या आपका हाथ लंबा हुआ? अच्छा मम्मी का हाथ लंबा हुआ क्या, वो रोज़ कपड़े सुखाती हैं, उनका हाथ लंबा हो गया क्या? नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे इनकी थ्योरी तो फेल हो गई। इनका कहना था, लेमार्क का कहना था कि जो भी चीज़ एक्सेस में यूज़ होती है, एक्स्ट्रा यूज़ होती है, वो चीज़ जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व होके लार्ज हो जाती है। ठीक है, क्या था इनका कहना, चलो देख लो, यहाँ देख लो, अकॉर्डिंग टू लेमार्क इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अकर्ड ड्यू टू द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जो यूज करोगे वो साइज में लार्ज हो जाएगा, उसका आप कंटिन्यूस यूज कर रहे हो, जो यूज नहीं करोगे वो वेस्ट हो जाएगा और फिर आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि जिराफ जो है इनिशियली उसको लॉन्ग नेक की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि वो जमीन की घास फूस खाता रहा, तो उसने कहा कि क्या करना, कौन मेहनत करे, आसानी से मिल रहा है, खाओ पियो। लेकिन जब जमीन की घास खत्म हो गई तो उसने अपनी गर्दन को लंबा करा और पेड़ की घास खाने, पेड़ में घास थोड़ी होती, पेड़ में पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो पेड़ में पत्तियां खाने लगा, इसीलिए उसकी गर्दन लंबी हो गई। ये लेमार्क का कहना था, उनका ऐसा मानना था, है ना। अब ऑब्वियसली सब अपने अपनी थ्योरीज देते हैं, पर ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये चीज़ ऐसी बिल्कुल नहीं है। उस हिसाब से तो हमारे हाथ लंबे हो जाने चाहिए क्योंकि हम कपड़े सूखने डालते हैं, ठीक है, मुंह का इतना बकर बकर करते हैं तो बहुत ज़्यादा, समझ जाओ अब, है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल रॉन्ग प्रूफ हो गई, इनका जो है सारा थ्योरी जो है डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बट स्टिल वी स्टडी हिम, क्यों पढ़ते हैं हम इनके बारे में, क्योंकि उन्होंने ट्राई तो करा है ना, कुछ तो दिया, ट्राई तो करा, जब उन्होंने ये दिमाग लगाया तब तो बाकियों का दिमाग चला, क्या सच में ऐसा तो नहीं है, और रिसर्च हुई, इसलिए हम लेमार्क के बारे में पढ़ते हैं। डार्विन की बात करें, ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट आए डार्विन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इन्होंने क्या कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पढ़ाई होगा, जो फिट होगा वो रहेगा, जो फिट नहीं होगा वो आउट। ठीक है, ये चीज़ तो हर जगह होती, गेम में भी, गेम्स में किसको लिया जाता है, जो फिट है। अब ऐसे बिल्कुल दुबले पतले से है हमारे टाइप होंगे तो भगा देंगे कि नहीं भाई जाओ पहले खाना खा के आओ, है ना, तो अच्छे फिट इंसान को यहाँ पे लिया जाता है। तो देखो चार्ल्स डार्विन बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग अ सी वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, अब ये भी गए तो घूमने ही थे, गए कहाँ थे, ये भी घूमने गए थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने घूमा नहीं, वहाँ बिल्कुल नहीं घूमे, ये सी वॉयज पे गए थे इन्होंने, अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में घूम रहे थे शिप पे, सोचो यार कितना मज़ा आएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे खतरनाक की डिस्कवरी की, वेरियस डिग्रीज ऑफ सिमिलैरिटी कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स एंड दोज दैट एग्जिस्टेड मिलियन ईयर्स अगो। इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारी सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है आज के लाइफ फॉर्म में और जो मिलियन ईयर्स अगो थे उनमें,
बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ये निकले थे सी वॉयज पर, बढ़िया शिप पर घूमने गए थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, पूरी दुनिया में जाके उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करे। किसी भी चीज़ को पहले फाइंड करने के लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा, तब आपका आगे दिमाग चलेगा। देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन, एवोल्यूशन एकदम से नहीं हुआ है कि डायनासोर से सीधे इंसान बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ, ग्रेजुअल धीरे 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 करके एक 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 चीज़ आई है। तो ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है लाइफ फॉर्म्स का, न्यू फॉर्म्स अराइजिंग एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, अलग अलग पीरियड्स पे, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। मैं अगली क्लास से बताऊंगी कौन कौन से पीरियड होते हैं, डायनासोर जब थे वो कौन सा पीरियड कहलाता है, अभी हम हैं तो हम किस पीरियड में रह रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशंस इन कैरेक्टरिस्टिक व्हिच अडैप्ट इट बेटर टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में बेटर जो अडैप्ट करेगा वो रहेगा, आप देख सकते हो ये, ठीक है। ये जो है इन्होंने क्या करा, इन्हें समझ में आया कि जो फिट है भाई, जो जिम जाएगा वही एग्जिस्ट कर पाएगा, जो जिम नहीं जाएगा वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो जिम जाने लगो, है ना, ऐसे ही करना है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, जिम नहीं भी जाओ पर एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ, इन्हें लगा कि सिर्फ जिम जाने वाले ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अभी आगे ही नहीं बढ़ रही है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, अब द कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनिमल्स सम पॉपुलेशन और इंडिविजुअल टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन वुड आउट ब्रीड अदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऐसी पॉपुलेशन जो किसी भी कंडीशन में रिप्रोड्यूस कर सके, रिप्रोडक्शन चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे कैसा भी कंडीशन हो, अगर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पा रही है तभी वो उस जगह पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। क्यों, अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो उससे लॉस क्या है, आगे की जनरेशन ही नहीं आएगी, एक टाइम आने के बाद में वो एक्सटेंट हो जाएगा, है ना। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को हर कंडीशन में रिप्रोड्यूस कर पा रहा है वही सर्वाइव करता है, एंड दिस इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी विच वॉज गिवन बाय डार्विन। यही कहा था डार्विन ने कि जो सर्वाइव करेगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा, वही रहेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म के बारे में किसने बताया था, ऑब्वियसली डार्विन ने ही, क्योंकि उन्हीं ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था, तो उन्होंने अपनी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, अपनी चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि क्या होता है ये आपका, क्या बोलते हैं इसे, नेचुरल सिलेक्शन क्या सच में होता है, इस चीज़ को उन्हें प्रूफ करना था। तो उन्होंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया इंडस्ट्रियल मेलनिज्म का, इसमें उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाइट विंग्ड मॉथ्स ज़्यादा थे, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, डार्क विंड मॉथ्स ज़्यादा हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डार्क, जब यहाँ पे मान लो अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये एक ट्री है, ये क्या है, ट्री है, ये ट्री की बार्क है। अब इस बार्क के ऊपर लाइकेन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, इस बार्क के ऊपर लाइकेन प्रेजेंट है। अब ये जो लाइकेन है ना, एक्चुअली ये ऐसा बना देते हैं हम, चलो यहाँ पे लाइकेन प्रेजेंट है, ये लाइकेन जो है ये वाइट कलर में प्रेजेंट है। कैसी प्रेजेंट है ये लाइकेन, वाइट कलर में प्रेजेंट है, वाइट कलर की लाइकेन है, इसके ऊपर वाइट कलर का मॉथ, ठीक है, ये वाइट कलर का मॉथ है, ये यहाँ आके बैठ गया। अब देखो, वाइट कलर की लाइकेन पे वाइट कलर का मॉथ आके बैठेगा, ये हम बात कर रहे हैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो वो दिखेगा ही नहीं। तो जब भी कोई बर्ड उड़ के आ रही होगी यहाँ से, ठीक है, कोई बर्ड यहाँ पे उड़ के आ रही है मौत को खाने के लिए, पर उसको तो दिख ही नहीं रही है मौत, क्यों, क्योंकि वो वाइट लाइकेंस के बीच में छुपी हुई है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की बात है, लेकिन जो डार्क विंग्ड मौत है, मान लो यहाँ पे डार्क विंग्ड मौत बैठी हुई है, ये इसको क्लियरली दिख जाएगी, है ना। तो ये डार्क विंग्ड मॉथ को ले जाएगा, चिड़िया जो है खा जाएगी, लेकिन व्हाइट विंग्ड मॉथ वहाँ पे छुपी बैठी रहेगी, वो बच जाएगी। तो नेचर ने अपने हिसाब से सिलेक्शन करके जो अनफिट था उसको ले लिया, और जो वहाँ पे अपने आप को बचा के रखा था, सरवाइव कर गया, वो वहाँ पे बच गया। वही दूसरी कंडीशन, कब की कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो गया, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हम वापस पेड़ बनाएंगे, यहाँ पे हमने ट्री की बार्क बना दी, इसके ऊपर लाइकेन तो प्रेजेंट है, लेकिन अब लाइकेन के साथ में ना एक झोल हो गया, क्या झोल हो गया, यहाँ पे
अब जो लाइकिन है ना, लाइकिन हो गई डार्क कलर की, गंदी सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में ऐश हो गया, ठीक है, जो पूरा धुआं है वो सब आके पेड़ पे जमा हो गया। अब जब यहाँ पे डार्क विंग्ड वो बैठा मौत, ठीक है, कौन बैठा, डार्क विंग्ड मौत, तो वो तो आराम से छुप गया। दिख रहा है क्या, देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे छुपा हुआ बैठा है, ठीक है। लेकिन अब जो वाइट विंग्ड मौत था वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, आप खुद देखो, दिख रहा है क्लियरली, ये वाइट विंग्ड मौत है। तो जब यहाँ से बर्ड आई, ठीक है, जब यहाँ से बर्ड आई तो बर्ड को क्लियरली कौन दिख रहा था, बर्ड को यहाँ पे क्लियरली ये वाले दिख रहे थे। तो इन्होंने इधर से इसको उठाया और बाहर हो गए। तो यहाँ पे ब्लैक विंग्ड यहाँ पे छुपे हुए रह गए, बच गए। इसीलिए उन्होंने ये चीज़ बताई कि नेचर तो है ना, नेचर किसी का सगा नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचर अपनी पार्टी हमेशा बदलता रहता है, उसको जो अच्छा लगेगा, जो सरवाइव कर रहा होगा उसको वो छोड़ देगा, जो सरवाइव नहीं करेगा वो उसको डिलीट कर देगा। तो ये नेचर का काम होता है, यही इंडस्ट्रियल मेलनिज्म है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, केमिकल रेजिस्टेंस की। केमिकल रेजिस्टेंस कैसा, जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का, उसकी वजह से एवोल्यूशन होता है रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स हैं, मान लो यहाँ पे ये माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, ये माइक्रोब्स जो है ना, ये इनमें जब हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डाले गए तो कुछ समय तक तो ये इन्हें ये मार देते थे हर्बिसाइड्स, लेकिन आफ्टर सम टाइम दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस मतलब कि अब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितना भी हर्बिसाइड डालो पेस्टिसाइड डालो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब इन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है इस हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड के लिए, इसीलिए अब इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यही होता है केमिकल रेजिस्टेंस की। एक केमिकल जब आप बार 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 कंटिन्यूसली किसी ऑर्गेनिज्म पे डालोगे, एक टाइम के बाद में वो अपने आप को उस केमिकल के लिए रेजिस्टेंस बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या कहती है, सबसे पहले तो ये थ्योरी दी गई थी ह्यूगो डी वेरीज के द्वारा, बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमोस। इन्होंने इवनिंग प्राइमोस पे काम किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से एवोल्यूशन जो है एक सडन लार्ज डिफरेंस लेके आ, सडन लार्ज डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है। कैसा सडन लार्ज डिफरेंस, की एक पॉपुलेशन थी, सडनली जीन में म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से पूरे की पूरी पॉपुलेशन में एक सडन चेंज आ गया। तो म्यूटेशन एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन, ठीक है, म्यूटेशन नहीं एवोल्यूशन, एक ग्रेजुअल चेंज तो है ही, बट ये सडन चेंज भी हो सकता है जब म्यूटेशन अकर हो। ये इन्होंने बताया था, ये जो ह्यूगो डी वेरीज है इन्होंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। इसके बाद में द बिलीव दैट म्यूटेशन कॉज स्पीशिएशन, उन्होंने कहा म्यूटेशन स्पीशिएशन और सॉल्टेशन कॉज करता है एक सिंगल स्टेप म्यूटेशन की वजह से भी, ठीक है, लार्ज सिंगल स्टेप म्यूटेशन हो जाए तो। म्यूटेशन आर रैंडम, रैंडम है, बता के नहीं होगी कि कहाँ पे होगी, किस लोकेशन पे होगी, रैंडम हो जाएगी, ठीक है, और डायरेक्शनलेस, रैंडम और डायरेक्शनलेस, कोई डायरेक्शन नहीं होता है म्यूटेशन का। तो ये चीज़ बताई थी। अब आते एक चीज़ आती है वेस्टिजियल ऑर्गन की। मैम ये वेस्टिजियल ऑर्गन का क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जिनका अब यूज नहीं होता है, विच आर कंप्लीटली फंक्शनल इन एंसेस्टर्स बट दे आर नॉट यूज इन प्रेजेंट डे, उनको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इज दैट क्लियर? अब देखो कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो यहाँ पे देखो वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आते हैं रेप्टेलियन जो अपैरेटस, वो बड़ा समूह होता था डायनासोर का, एकदम अब नहीं होता है ना, प्रेजेंट नहीं होता है। हाइंड लिम्स ऑफ पाइथन, पाइथन को आपने हमेशा रेंगते हुए देखा होगा, कभी चलते हुए नहीं देखा होगा, तो हाइंड लिम्स उसके अब नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। हाइंड लिम्स ऑफ ग्रीनलैंड वेल्स, वेल्स के भी हाइंड लिम्स होते थे, अब नहीं है। ऑरिक्युलर मसल्स ऑफ पिना, ये जो मसल्स होती हैं ये। विजडम टीथ, विजडम टीथ तो लास्ट में होता है, अकल की दाढ़ जिसे हम बोलते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी किसी किसी को आती है, किसी को नहीं भी आती है। बॉडी हेयर्स, बॉडी में अब चिंपांजी के टाइप बाल नहीं होते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ हेयर्स ही प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन एंड कॉडल वर्टिब्रे, ये हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट देखो, अब एक टर्म आता है एटाविज्म।
वॉट डज एटाविज्म मीन्स? एटाविज्म का सिंपल सा मतलब होता है रीअपियरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स. एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स अगर रीअपियर हो जाएं, जैसे कि यहाँ आपको ये छोटा सा बच्चा दिख रहा है, इसकी आपको ये पूंछ दिख रही है. क्या पूंछ होती है? क्या पूंछ होती है? नहीं होती है, पर इन एक्सेप्शनल केसेस, जब हम एक्सेप्शनल केसेस की बात करें, तो उसमें कभी कभी जो टेल है वो देखी जाती है. एंड व्हेन दीज एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स आर सीन, दिस कंडीशन इज नोन एज एटाविज्म. क्लियर हो गई बात? इसी को हम एटाविज्म बोलते हैं. जैसे मूविंग पेन्ना, डेवलप्ड के नाइन टीथ जो मेरे हैं, ठीक है, ड्रैकुला जैसे टीथ, लॉन्ग डेंस हेयर्स जो बिल्कुल भी नहीं है मेरे, शॉर्ट टेल इन सम बेबीज जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, एंड सिट्रस लीव्स. पहले सिट्रस फ्रूट्स जो प्लांट्स होते थे उनमें लीव होती थी. चल, तो ये हो गया एटाविज्म. नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है. काफ़ी इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, तो आराम से पढ़ो उसको, समझो, आसान से समझ में आ जाएगा. इनका कुछ प्रिंसिपल है. तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एलीलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन. एलीलिक स्पीशीज क्या है? पॉपुलेशन में स्टेबल रहती हैं एंड रिमेन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट रहती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. दैट इज जीन पूल. जीन पूल क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीन एंड देयर एलील इन द पॉपुलेशन. ये जीन पूल होता है, ये हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है. दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मतलब है? फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आपने सुना हो. इक्विलिब्रियम मतलब कि बैलेंस, इक्वल. ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे भी डिस्टर्ब, बट जब एक सा हो दैट मीन्स दिस इज इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी? जेनेटिक इक्विलिब्रियम की. किसकी? जेनेटिक इक्विलिब्रियम की. मतलब जीन्स का जो नंबर है वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है. इसको इन्होंने एक्सप्रेस करा था पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, ठीक है. ये उन्होंने दी थी. यहाँ पे ये वाली कंडीशन इज आपकी क्या है? ये हेटेरोजाइगस है. ये क्या है? ये है आपकी हेटेरोजाइगस. दिस इज हेटेरोजाइगस. और जब हम इसकी बात करें पी स्क्वायर की या फिर क्यू स्क्वायर की, ये है होमोजाइगस. ये क्या है? होमोजाइगस, ठीक है, क्लियर है. अब ये इक्वेशन क्या बोलती है? इस इक्वेशन में पी और क्यू जो है वो क्या है? दे आर different alleles, मतलब frequency of different alleles. ये क्या है? frequency of different alleles. अब यहाँ पर equilibrium maintain है हमेशा, कितना भी इनमें आप ये equation का use करोगे तो हमेशा result is always one, ठीक है. disturbance in genetic equilibrium result in evolution. अगर equilibrium में difference आता है तो यहाँ पर आपको evolution देखने को मिलेगा. अब क्या क्या factors होते हैं जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं? तो फैक्टर्स देखो यहाँ पे, जेनेटिक माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो. इसका क्या मतलब होता है? व्हेन इंडिविजुअल माइग्रेट टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं वहाँ पे क्या होगा? न्यू जीन्स और एलील्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है. न्यू जीन और एलील, हमने बात करी थी किसकी? प्रिया की बात करी थी हमने. तो मान लो प्रिया और उसकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर गए, एमपी से केरला चले गए, तो क्या होगा? प्रिया की शादी कर दी गई केरला में ही, तो अब क्या होगा? केरला के जीन्स और प्रिया के जीन्स का क्या होगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से केरला और एमपी के जीन्स का मिक्सचर हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नए एलील्स और नए जीन्स बने और पुराने जीन्स लॉस्ट हो गए. तो दिस इज व्हाट जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो हम जैसे बोलते हैं. नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता? एकदम से ड्रिफ्ट आई और सब कुछ बहा ले गई अपने साथ. तो यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट आई, जीन्स एकदम से सारे चेंज हो गए. चेंजेस अकरिंग इन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इज कॉल्ड
जेनेटिक ड्रिफ्ट बाय चांस, ठीक है, एकदम से ये जेनेटिक ड्रिफ्ट आई और सारी चीजों को ले गई. समटाइम ड्यू टू चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन न्यू पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट. इस इफेक्ट को हम फाउंडर बोलते हैं, या फिर द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो होती है उसको हम फाउंडर बोलते हैं. जो ओरिजिनली पॉपुलेशन ड्रिफ्ट हुई है उसको हम फाउंडर बोलेंगे. बात समझ में आई? नेक्स्ट आगे बढ़े हम. नेक्स्ट क्या है जो नेक्स्ट फैक्टर जो इस प्रिंसिपल को अफेक्ट करता है, दैट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन सभी लोग जानते हैं कि म्यूटेशन क्या होती है. म्यूटेशन मतलब कि न्यू फिनोटाइप जीन का पूरा अपना सीक्वेंस चल रहा है, बीच में कहीं एक नया जीन आके लग जाए या फिर उस जीन की जगह हटा के दूसरा जीन आ जाए, दिस इज म्यूटेशन, है ना. पॉइंट म्यूटेशन हमने पढ़ी है, ठीक है, शिफ्ट म्यूटेशन हमने पढ़ी, कई सारे तरीके की हमने म्यूटेशन पढ़ी हुई है, आपने ऑलरेडी 11th में मैंने पढ़ाया हुआ है. तो म्यूटेशन की वजह से भी यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. जीन्स में रिकॉम्बिनेशन होना उसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं. तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी न्यू फिनोटाइप सामने आता है जो कि कैच करता है, इक्विलिब्रियम को चेंज कर देता है. इज दैट क्लियर? अगला है आपका नेचुरल सिलेक्शन. अब नेचुरल सिलेक्शन में ना आपको एक ग्राफ याद रखना है, ठीक है. ग्राफ कैसे याद रखोगे, यहाँ पे हम बनाते हैं. यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन में तीन अफेक्ट आपको देखने मिलेंगे. एक होता है स्टेबलाइजेशन. स्टेबलाइजेशन में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कुछ इस तरीके का देखने मिलेगा. ये हम जब ग्राफ बनाते हैं, स्टेबलाइजेशन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक पीक बना रहा है. क्या बना रहा है? एकदम शार्प पीक नहीं है ये, थोड़ा सा कर्व पीक है. तो यहाँ पे ये पीक का फॉर्मेशन कर रहा है. क्या कर रहा है? पीक का फॉर्मेशन कर रहा है. तो इसको हम बोलते हैं, जब यहाँ पे पीक बनता है तो दिस इज व्हाट स्टेबलाइजेशन की लार्ज इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू. सो पीक गेट्स हायर. पीक कैसा हो रहा है? हायर हो रहा है. तो ये हो गई एक कंडीशन जिसमें हमने स्टेबलाइजेशन की बात करी. दूसरी हम बात करेंगे सेकेंड कंडीशन, दैट इज बी कंडीशन, जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्शनल चेंज. डायरेक्शनल चेंज का क्या मतलब होता है? लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू. लार्ज नंबर ने तो वैल्यू ली है, लेकिन कुछ जो है वो मीन वैल्यू से शिफ्ट हो गए हैं. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? थोड़ी सी आपको यहाँ पे शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कर्व जो है बेटा थोड़ा सा डगमगा गया, ठीक है, एकदम पीक शिफ्ट पे नहीं पहुंच पाया है. तो दिस इज व्हाट डायरेक्शनल चेंज. हम तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं. हमारी थर्ड कंडीशन जो है वो है डिसरप्शन. यहाँ पे क्या हुआ? लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड हेंस टू पीक्स आर सीन. यहाँ पे ऐसा एक पीक मिला, ऐसा एक पीक मिला. एक पॉपुलेशन ने ये वाला वैल्यू लिया, दूसरे ने ये वैल्यू ले लिया, इसीलिए यहाँ पे आपको दो कर्व देखने को मिल गए. दिस इज व्हाट डिसरप्शन, ठीक है. तीन तरीके की कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है नेचुरल सिलेक्शन में. ये देखो ग्राफ, यही ग्राफ है जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया. तो सेम इसमें क्या कंडीशन दिखाई जा रही है? सेम चीज दिखाई जा रही है. पहला स्टेबलाइजेशन, दूसरा है आपका, दूसरा क्या था? सेकेंड इज डायरेक्शनल और डिसरप्शन, ठीक है. ये डायरेक्शनल है और तीसरा है डिसरप्शन. क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे ये आ जाता है होमवर्क. होमवर्क के बिना क्लास एंड होगी नहीं. डेली आपको मैं होमवर्क दूंगी, पांच क्वेश्चन, सिर्फ पांच क्वेश्चन. उन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देने हैं. सभी लोग, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग कमेंट करेंगे, आंसर देंगे, साथ में लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताएंगे. और आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है बता देना, ठीक है. आप लोग जैसा बोलोगे वैसे ही हो जाएगा. तो बताना कैसा लगा लेक्चर, क्वेश्चंस के आंसर सभी लोग इसके आंसर देंगे. जो नेक्स्ट क्लास होगी उनके आंसर्स में आपको, इनके आंसर्स में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. इसलिए अगली क्लास पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. तो इसके बाद में पार्ट थ्री आएगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है. अब कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, मैम दिस चैप्टर इज डिलीटेड, मैम दिस चैप्टर इज डिलीटेड. हाँ भाई, पता है दिस चैप्टर इज डिलीटेड, मुझे पता है, पर ये सिर्फ इस साल के लिए हुआ है, कोविड हमेशा तो रहेगा नहीं. तो जब बाद में ये चैप्टर ऐड कर दिया जाएगा ना, और तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा कि ये क्या था, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए मत छोड़ो कोई चैप्टर.
पढ़ा रही हूँ तो पढ़ो साथ में, ठीक है। दिस चैप्टर डिलीटेड डिलीटेड मत करना कोई भी कॉमेंट सेक्शन में। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द साइंटिस्ट हु डिसप्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, साइंटिस्ट का नाम बताओ। स्टेट सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एवोल्यूशन, फॉसिल्स की क्या सिग्निफिकेंस है। नेम एनी टू वर्टिब्रेट बॉडी पार्ट्स दैट आर होमोलोगस टू ह्यूमन फोर लिम्स। What causes speciation in Hugo D. varies? ये अभी पढ़ा है हमने, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। How do we compute age of fossil? ये आपको बताना है, ये मैंने कहीं नहीं बताया है, ये आपको ढूंढना है और आपको बताना है कि fossils की एज कैसे कंप्यूट करते हैं। और मिनिमम आप कम से कम दो मेथड बताएंगे, ठीक है, सिर्फ नाम बताने हैं, एलैबोरेट नहीं करना है। दो मेथड बताएंगे जिनसे fossils की एज जो है वो कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया आज का लेक्चर, समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया है उसको बैक करके फिर से देखो, बहुत आसान चीज़ें हैं, समझ में आ जाएंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में और हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।